At ease, soldier. साइड से निकल जाओ बेवकूफ। ये कोई हादसा नहीं था, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। प्राइम? तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है क्या? गो गो गो! और तेज चलाओ मिको। चलो जैक, कम ऑन। ये क्या? राव तो आगे निकल गया। प्राइम, मुझे सुन सकते हो? मुझे माफ करना एजेंट फाउलर, ऑप्टिमस इस वक्त यहाँ नहीं है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि ऑप्टिमस ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एजेंट फाउलर, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सकता नहीं, हो रहा है। प्राइम्स भागते नहीं। क्या तुम ठीक हो एजेंट? तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छे, रोशनी की तरफ देखो। रुको, क्या?
बेहोश भी रोशनी को देखकर ही हुई थी। आरसी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर ऑप्टिमस नहीं चाहते थे कि मैं ठीक रहूं। देखा, मैंने कहा था ना, नामुमकिन। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। लेकिन ऑप्टिमस एजेंट फाउलर को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? शायद ऑप्टिमस दोबारा खुद को डिसेप्टिकॉन समझने लगे हो, या अब तक अच्छा रोबोट बनने का नाटक कर रहा है। प्राइम चाहे किसी भी वजह से ये कर रहा हो, पर है तो बड़ी परेशानी की बात। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑप्टिमस का सिग्नल ढूंढता हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारे आसपास भी नहीं था। सच तो ये है कि वो इसी वक्त अंदर आ रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? हमें बस जानना था आप कहां गए थे। तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं हमारे कम्युनिकेशन रेंज से बाहर था। आराम से। एक सबटेरेनियन एनर्जॉन डिपॉजिट में। गौर से देखो, ये वही हैं। तुम पहचान नहीं पा रहे? हमें माफ कीजिएगा। इनका कसूर नहीं है प्राइम। आज हाईवे पर एक बड़े से ट्रक ने मुझ पर अचानक से हमला किया और वो हूबहू तुम्हारे जैसा दिख रहा था। रुक जाओ। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ट्रक से निकलो वरना हम गोली चला देंगे। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का लीडर, और ये है मेरा संदेश। फाउलर स्पीकिंग। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरा दिमाग खराब है, ना ही मैंने कोई नशा किया है। वो नहीं हो सकता। मिलिट्री बेस पर अचानक हमला हुआ है, ऑप्टिमस प्राइम ने किया है। उस ट्रक ने? नहीं, ऑटोबॉट ने। फायर, फायर! देखो, और भी हमलावर आ गए हैं। फायरिंग जारी रखो। ऑटोबॉट्स, वापस बेस पर चलो। हम किसी भी इंसान पर हमला नहीं करेंगे।
नहीं जनरल प्राइस, ऑप्टिमस प्राइम ने वहां हमला नहीं किया, क्योंकि जब वो हादसा हुआ प्राइम मेरे साथ था। बिल्कुल सही सर, ऑटोबॉट्स बेस पर आए थे लेकिन पहले हुए हमले को रोकने के लिए। पर सर मैं जी सर मैं समझता हूं। तो क्या कहा उन्होंने? सभी सोल्जर्स को यह हुक्म दिया गया है कि जहां कहीं भी कोई ऑटोबॉट दिखे उसे मार गिराओ। वो ऐसा नहीं कर सकते। पर इन्होंने कुछ नहीं किया, ऑप्टिमस को फंसाया गया है। अफसोस की बात है लेकिन मिलिट्री का ऑर्डर हमें रोक नहीं सकता। वो बहरूपिया इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। 30 फुट का ट्रांसफॉर्म होने वाला बहरूपिया। वो कामयाब हो ही गए, वो दरिंदे आखिर उस कोड को समझ ही गए। मैक सर, क्या उसके इस्तेमाल से कोई परेशानी हुई? टेलीप्रेजेंस इंटरफेस ने बेहतरीन काम किया है, व्हीकल और रोबोट दोनों मोड में। मैक ब्रेकडाउन को उठा ले गए थे और लगता है कि उन्होंने उसके हर एक पुर्जे को खोलकर अच्छे से समझा है। मैं उसका गवाह हूँ। और हमें ये भी पता चला है कि उनके पास स्टार स्क्रीम का टीकॉक भी है, जिसे उन्होंने आपके बहरूपी रोबो में लगा डाला और ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम्हारी जैसी व्हीकल का ही स्कैन किया, फिर उसे एनर्जॉन से भर दिया और लो बन गया पापी ऑप्टिमस प्राइम। तो उन्हें रोकी कैसे? वो फिर से कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, भले ही मैक हमारी बायोलॉजी समझ गए हों लेकिन वो हमारे टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाएंगे। बिना ग्राउंड ब्रिज के बहरूपिय प्राइम को कहीं भी पहुंचने के लिए व्हीकल मोड में ही जाना होगा। मुमकिन है कि मैक का बेस दोनों घटना वाली जगहों के करीब ही हो। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो चलकर मैक के साइंस प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दें। एजेंट फाउलर, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को मैक के रोबोट के सामने लाने का जोखिम ना उठाओ। तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम किसी भी मिलिट्री सोल्जर के सामने जाने का जोखिम ना उठाओ। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी हम व्हीकल मोड से नहीं निकलेंगे एजेंट फाउलर। यहां पर सिर्फ सूखी झाड़ियां हैं और यहां सिर्फ चट्टाने। बम्बलबी, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना, चप्पा चप्पा छान मारना, हम तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स पर ही मिलेंगे। ऑटोबॉट्स का जवाब नहीं, लेकिन मैं भी उनसे कुछ कम नहीं। बम्बलबे, चौकन्ने रहना, मेरा बहरूपिया कहीं भी हो सकता है। माफ करना, मैं समझा नहीं। बम्बलबे, क्या तुम सुन रहे हो? तैयार हो जाए और मुझ जैसी दिखने वाली हर चीज से बचकर रहना।
अगर मुझे उस रोबो को कंट्रोल करने वाले रिमोट की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो मैं बता पाऊंगा कि वो उसे कहां से चला रहे हैं। रिमोट मतलब? तुम्हें क्या लगा मैक ने असली ऑटोनोमस रोबो बनाया है? वो रिमोट से चलने वाला रोबो है। मुझे लगा था साइलस उसमें बैठकर उसे चला रहा है क्योंकि जब उसे बल्कहेड का पंच पड़ता है तो डिशुम। आहा, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो जल्दी से ब्रिज को खोलो। एजेंट फाउलर, ऑप्टिमस ने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा था, याद है? इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो रैचेट, मैं किसी भी ऑटोबॉट से लड़ने नहीं जा रहा, लेकिन इस सब के पीछे एक इंसान का हाथ है। और शायद तुम नहीं जानते कि मैं एक हाईली ट्रेन्ड गवर्नमेंट ग्रेड का इंसान हूँ। हाँ, और साइलस ने इन्हें मारने की कोशिश की थी, बदला तो बनता है। ऑप्टिमस प्राइम, फिर मुलाकात हो गई। तुम्हारा षड्यंत्र खत्म हुआ साइलस। ओ अच्छा, ओ, ओ, फ्लाइट स्कूल में जो नाश्ता किया था लगता है सब बाहर आ जाएगा। ओ, एजेंट फाउलर, फ्रीक्वेंसी वहां से नॉर्थ की तरफ 100 मीटर की दूरी से ट्रांसमिट हो रही है। समझ गया। मेरे रोबोट में भी तुम्हारी ही जितनी ताकत, रफ्तार और बारूद है। और हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग की वजह से मैक ने इंसान और मशीन का एक बेहतरीन मेल बना डाला है। लेकिन तुम में और मुझ में एक अहम फर्क है, मुझे दर्द महसूस नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। सोचो मेरी ट्रांसफॉर्म होने वाली रोबोट्स की फौज कैसी होगी। कोई भी मैक के सामने आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं करूंगा साइलस। एजेंट फाउलर, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। मैं तुम्हारा ये खेल खत्म करने आया हूँ। एक्स मिलिट्री स्पेशल टैक्टिक्स। और तुम आर्मी रेंजर्स। लेकिन तुम में अब वो बात नहीं। शेप में नहीं हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए काफी है। मुझे बस तुम्हारा ध्यान प्राइम से हटाना था। नहीं, 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 नहीं। एजेंट फाउलर, मिलिट्री के लोग आ गए हैं, तुम्हें बेस पर लौट जाना चाहिए प्राइम, उन्हें मैं समझा दूंगा।
हूबहू ऑप्टिमस जैसे दिखने वाले रोबोट के हाथों मार खाने पर तुम्हें कैसा लगा? मैं उस मंजर को भुला नहीं सकती। सवाल ये है कि अपने लीडर को खोने के बाद भी मैक अपना अधूरा काम जारी रखेगी या नहीं। एक बुरी खबर है, हमने सारे मलबे को हटाकर पूरी जगह को छान मारा लेकिन साइलस का नामो निशान तक नहीं मिला। उनके अंदरूनी हिस्सों को बहुत गहरी चोट पहुंची है और उनका इलाज करना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन हमारे लीडर की किस्मत अच्छी है कि मैक कभी हार नहीं मानता। Thank you.